ये क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, ऐसे कैसे कुछ नहीं? तुम इस किचन में ऐसे घूम रहे हो जैसे ये मेरे घर की किचन नहीं, तुम्हारे घर की किचन है। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे क्या सामान कहाँ रखा है, ड्राई फ्रूट्स कहाँ रखे हैं, पानी कहाँ से लेना है, एप्पल किस बोल में होगा, तुम्हें सब पता है? कैसे? मैंने तुमसे अभी कुछ पूछा, उसका जवाब दो। पाजी मजा आ गया, बल्ले बल्ले तो टावा टावा। क्या मजा आ गया पाजी? आज क्या पूछ रहे हो? देख लो इनको, ये वड्डे वड्डे लोग कैसे सीधे सीधे खड़े हैं। पाजी आज तो मजा ही। तो क्या हो गया? तुम लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हो? वो तुम लोगों के सीने में आग लग गई क्या कि मैंने इस तरह से केक क्यों खाया? और दिस इज नॉट फेयर। जब तुम लोगों का वक्त था तो तुम लोगों ने केक को काट चाट के खाया, अब हमारा वक्त है तो हम केक को काट चाट के खाएंगे। ओ पाजी, केक पे तो सबका टेक है। क्यों पाजी? ओ पाजी, आपका तो मुंह मीठा कराना ही भूल गया मैं। बोल रहा पाजी, टीम का मुंह मीठा करो। थैंक गॉड प्रीता जी, काव्या, अर्जुन और सोना यहाँ पर नहीं है, पर इन गुंडों से तो निपटना पड़ेगा ना। चाचू, सिस्टी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गए? बेटा अच्छा ही हुआ यहाँ नहीं है, कम से कम वो तो सेफ है। किसी तरह से अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। पाजी एक सेकंड, पूरी फैमिली यहाँ पे है, एक लड़की गायब है। हाँ रजा भैया, आपने सच बोला, एक लड़की तो मिसिंग है। पिता, मैं तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट समझता था, स्मार्ट समझता था, पर मैं गलत था। गलत था इनफैक्ट, तुम्हें लेके तो मैं हमेशा से गलत था। गलत था मैंने हमेशा ही तुम्हें गलत समझा। प्यार करती हूँ मुझसे? ये कैसा सवाल है? प्यार करती हो मुझसे या नहीं? या किसी और से करती हो? शादी मुझसे करना चाहती थी या किसी और से? लेकिन तुम मुझे बार बार याद दिलाती रही कि मैंने तुम्हें गलत समझा। देखो मिस्टर सूर्यवंशी, अर्जुन सूर्यवंशी, मिस्टर सूर्यवंशी, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल लाइक दिस। यू हैव अ प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम एक नहीं, प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। वैसे तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि किचन में मुझे सारी चीजें कैसे पता है, राइट? सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं इस किचन में कई बार आ चुका हूं आज,
एक बार राखी आंटी के साथ आ चुका हूँ, एक बार तुम्हारी बहन सृष्टि के साथ आ चुका हूँ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, माई मेमोरी इज वेरी शार्प अनलाइक यू। एक बार कोई चीज देख लेता हूँ तो मुझे हमेशा के लिए याद रहती है। सो अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा और तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। तो क्या मैं ये एप्पल शांति से खा सकता हूँ? हाँ हाँ, खाओ खाओ, जरूर खाओ। तुम तो आज इस पार्टी में मेहमान हो, स्पेशली इनवाइट किया गया है तुम्हें, तो आज तुम आराम से एप्पल खाओ। लेकिन बाद में मुझे कहीं और मिले ना, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करूंगी उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम होगे। समझती क्या अपने आपको? फाड़ में गया एप्पल, नहीं खाना मुझे। रीता, रीता मेरी बात सुनो। क्या है? तुम मैंने मामा मामा उस कमरे में ना एक इंसान बेहोश पड़ा है। बेहोश है? कौन कौन बेहोश है? मोहन अंकल। मोहन भैया, क्या हो गया उन्हें? ये मोहन कौन है? हमारे यहाँ गिरीश के साथ घर के काम में हेल्प करते हैं। उसे कब से रख लिया यहाँ पे? कब से रख लिया? हमारा घर है, हमारी मर्जी, हम किसी को कभी भी रखे। ओके ओके, ये सब छोड़ो ना, मेरा बात सुनो। मोहन अंकल की मुंह में कपड़ा भी बन रहा है। काव्या, मामा और आप हाइड एंड सीक खेल रहे थे ना, तो ऐसा करो आप कमरे में जाकर छुपो और मामा आपको ढूंढने के लिए आएंगी, ठीक है? और जब तक मामा ना आए आप कमरे से बाहर मत आना, वरना चीटिंग हो जाएगी। हाँ राइट, जाओ। कुछ तो कर पड़े। मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है, बेहोश है। अगर काव्या कह रही है तो बात सच है, मैं जाकर चेक करती हूँ। जल्दी से सारी जुड़ी चुरा के ऐसा निकलना होगा, हमारा रास खुल रहा है, जल्दी चलो।